शिलाजीत वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है स्ट्रेंथ, स्टेमिना और विटैलिटी बूस्ट करने के लिए। इसलिए इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए इसकी ऑप्टिमल टाइमिंग पे कंजप्शन काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइम पे शिलाजीत लेने से आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और क्या एक बेस्ट टाइम हो सकता है इसे कंज्यूम करने का आपके अकॉर्डिंग। शिलाजीत एक स्टिकी सबस्टांस है जो हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है। ये रिच इन मिनरल्स और फल्विक एसिड होता है। इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ईयर से यूज़ किया जा रहा है इसकी रेजुवनेटिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। चलिए जानते हैं कि किस किस टाइम पे इसे कंज्यूम करने से आपको क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। नंबर वन इज़ मॉर्निंग टाइमिंग। शिलाजीत को मॉर्निंग में लेने से आप अपने डे को किक स्टार्ट कर सकते हैं एक एनर्जी बूस्ट के साथ। इसके साथ साथ ये मेंटल क्लैरिटी को इन्हांस करता है और ओवरऑल विटैलिटी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। नंबर टू इज़ एम्प्टी स्टोमक। शिलाजीत को एम्प्टी स्टोमक कंज्यूम करने से आपको बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलती है और इसके बायो एक्टिव कंपाउंड्स की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगी और ये थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स को भी मैक्सिमाइज करेगा अगर आप इस टाइम इसे कंज्यूम करते हैं। नंबर थ्री इज़ प्री वर्कआउट। बहुत से लोग शिलाजीत को एक्सरसाइज से पहले कंज्यूम करते हैं। ऐसा करने से ये इंक्रीज़ करता है स्टैमिना को, एंड्योरेंस को और मसल स्ट्रेंथ को। ये इसे आइडियल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी बनाता है फॉर एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट। नंबर फोर इज़ पोस्ट वर्कआउट। वर्कआउट के बाद शिलाजीत मसल रिकवरी में हेल्प कर सकता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और इसेंशियल मिनरल्स जो एक्सरसाइज के दौरान लॉस्ट हो चुके हैं उन्हें रिप्लेनिश करने में हेल्प कर सकता है। इससे ये फास्टर रिकवरी को भी प्रमोट करता है। नंबर फाइव इज़ विद मील्स। शिलाजीत को मील्स के साथ कंज्यूम करने से ये आपको स्टडी रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द डे, सपोर्ट करता है ओवरऑल हेल्थ को, डाइजेशन को और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को। कुछ लोग इसे बिफोर बेड भी कंज्यूम करते हैं। शिलाजीत को बिफोर बेड कंज्यूम करने से ये रेस्टफुल स्लीप को एनहांस करता है, बैलेंस करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को, एनहांस करता है रिलैक्सेशन को और अलो करता है आप बेटर क्वालिटी स्लीप ले पाएँ और ओवरऑल रेजुवनेशन में हेल्पफुल है। इसे आप चाहें तो कुछ और सप्लीमेंट्स के कम्बिनेशन में भी कंज्यूम कर सकते हैं। शिलाजीत को कंबाइन किया जा सकता है कुछ सप्लीमेंट्स लाइक अश्वगंधा या जिनसिंग के साथ इसके बेनिफिट्स को एनहांस करने के लिए और क्रिएट कर सकते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स फॉर ओवरऑल वेलबींग। बेस्ट टाइम शिलाजीत को लेने का डिपेंड करता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस पर और हेल्थ गोल्स पर। आप इसे मॉर्निंग में बिफोर बेड या आफ्टर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट विद मील्स कंज्यूम कर सकते हैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। इसे आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करके अपनी विटैलिटी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और ओवरऑल वेलनेस और फिटनेस गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। कुछ जेन्युइन शिलाजीत सप्लीमेंट्स के लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मार्केट में शिलाजीत सप्लीमेंट्स आपको कैप्सूल, पाउडर या फिर रेजिन फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अगर आप इसे कैप्सूल फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं देन सप्लीमेंट पे इसकी रिकमेंडेड डोज मेंशन होती है, लेकिन आप इसे मिनिमम डोज में ही कंज्यूम करें। इन कैप्सूल फॉर्म आप इसका एक कैप्सूल ल्यूक वॉर्म मिल्क के साथ या वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं और इसे 2 से 3 मंथ तक लिया जा सकता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर ये पाउडर फॉर्म में है देन आप इसके 2 से 4 पिंच ऑफ पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं हनी के साथ मिक्स करके या ल्यूक वॉर्म मिल्क के साथ मिक्स करके। और अगर ये रेजिन फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है तो भी आप इसके लिटिल बिट पिंच करके इसे कंज्यूम कर सकते हैं बाय मिक्सिंग इट विद वाटर और मिल्क। इसे रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही जो सप्लीमेंट पे मेंशन भी होती है वैसे ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करें। ऐसा करने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और कुछ और मेडिसिन को भी कंज्यूम कर रहे हैं देन इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, अदरवाइज़ इसे कंज्यूम नहीं करें। शिलाजीत से रिलेटेड कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट शिलाजीत सप्लीमेंट और किस टाइम पे इसे लेने से क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए।